तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल 2023 की अंक तालिका में आखिरी स्थान पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होने वाला है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। 10 मैचों में 5 जीत के साथ राजस्थान की टीम चौथे स्थान पर है, वहीं हैदराबाद अब तक केवल 3 ही मुकाबले जीत पाई है। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है। राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन का अपना पहला ही मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला था। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने 72 रन से जीत हासिल की। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर और संजू सैमसन ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। राजस्थान रॉयल्स ने पिछले मुकाबले में जेसन होल्डर की जगह एडम जैम्पा को मौका दिया गया था, हालांकि ये दाम उन्हें काफी महंगा पड़ा था। टीम एक बार फिर से रियान पराग को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मौका दे सकती है ताकि बल्लेबाजी में गहराई बनी रह सके। प्लेइंग 11 में रियान पराग की जगह कुणाल राठौर या आकाश वशिष्ठ में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। हैदराबाद की टीम राजस्थान की पिच को देखते हुए भुवनेश्वर कुमार, कार्तिक त्यागी और टी नटराजन में से किसी दो को ही टीम में जगह देगी। भुवनेश्वर और नटराजन के अनुभव को देखते हुए कार्तिक त्यागी को ही बाहर बैठना पड़ेगा। उन्होंने केकेआर के खिलाफ मुकाबले में भी महंगी गेंदबाजी की थी। इसके अलावा माको यानसन और अकील हुसैन में से भी किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। आइए जानते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में। राजस्थान रॉयल्स, जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन, शिमरोन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, जेसन होल्डर, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा। सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, एडन माक्राम, हैरी ब्रुक, हेनरिक क्लासेन, अब्दुल समद, माको यानसन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे एवं कार्तिक त्यागी। इस रोमांचक मुकाबले में किसकी जीत होगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के डेली क्रिकेटिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा ठीक है।